डिजायर कोल्ड मिल्क, हम लोग है ना जब भी बीमार पड़ते हैं ना तब है ना थोड़ा सा कोल्ड मिल्क डिजायरेशन रहता है किसी किसी को, ठीक है। सो ना किस किस रेमेडी में डिजायरेशन ऑफ कोल्ड मिल्क है, या फिर सिर्फ मिल्क भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कोल्ड मिल्क, बट या दिस इज दिस थ्री आर स्पेसिफाइड फॉर दैट। कभी कभी किसी किसी को है ना ठंडे दूध से अच्छा लगता है, किसी किसी को वार्म दूध से अच्छा लगता है, किसी किसी को है ना स्कीम्ड मिल्क से अच्छा लगता है, किसी किसी को और कुछ आइस्ड टी या फिर आइस मिल्क इस सबसे अच्छा लगता है। तो हम लोग वो देखेंगे कि है ना उसका की पॉइंट्स देखेंगे। तो रस्टॉक्स के पेशेंट्स को कैसे रहता है, तो कोल्ड मिल्क डिजायर रहता है विद रिलीफ ऑफ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, देन कोल्ड मिल्क रिलीव्स द कॉन्स्टिपेशन इन आयोडप, देन वार्म मिल्क रिलीव्स द गैस्ट्रिक सिम्टम्स इन ग्रेफाइटिस। सो दिस वॉज इट अबाउट द कोल्ड मिल्क डिजायर।